Today we discuss transformation of a product into a sum of difference. यहाँ पर हमारे पास चार रिजल्ट होंगे बच्चों. टू साइन ए कोस बी इक्वल होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. टू कोस ए साइन बी इक्वल होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. टू कोस बी इक्वल होगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी. और टू साइन ए साइन बी इक्वल होता है बच्चों कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी. तो ये चार रिजल्ट्स हैं जो ये हमें लर्न करने हैं बच्चों. अगर ये चार रिजल्ट हमारे लर्न हो जाते हैं तो एक्सरसाइज 3.7 सॉल्व हो जाएगी. सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है बच्चों इस रिजल्ट में, जब भी साइन और कोस का जो फंक्शन है या कोस साइन है या दो कोस हैं साइन साइन फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा उसके साथ क्या चाहिए बच्चों, टू. अगर टू नहीं है तो आप क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर लेंगे. तो ये फार्मूले आप नोटबुक में नोट करके बच्चों फिर आपको ये लर्न करने हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टू साइन 3x कोस 5x, यानी कि ये तो काम करेगा बच्चों a का और जो 5x है ये काम करेगा b का. तो ये हो गया टू साइन a कोस b. तो फर्स्ट रिजल्ट लगा दीजिए बच्चों साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ a प्लस b 3x प्लस 5x 8x और प्लस साइन a माइनस b. कितना आएगा बच्चों 3x माइनस 5x, ये कितना आ जाएगा साइन 8x प्लस साइन माइनस 2x. और लास्ट लेक्चर में हम सीख के आए थे बच्चों साइन के अंदर अगर एंगल में माइनस है तो माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है. तो नेक्स्ट टाइम में ये क्या बन जाएगा बच्चों, साइन 8x माइनस बी साइन 2x. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है साइन 75 डिग्री साइन 15 डिग्री. तो दो साइन के फंक्शन मल्टीप्लाई हैं बच्चों, लेकिन आज जो रिजल्ट सीखे हमने उसमें साथ में क्या होना चाहिए, टू मल्टीप्लाई में होना चाहिए. तो टू नहीं है तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम में बच्चों, टू से डिवाइड कर लेंगे और टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ये हो जाएगा जी 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री. तो ये क्या रिजल्ट लगेगा, टू साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी. तो इसको लिखेंगे 1/2 था एजिट इज रहेगा टू साइन ए साइन बी. ये क्या हो जाएगा बच्चों, कोस ऑफ ए माइनस बी 75 माइनस 15 डिग्री 60 डिग्री माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी 75 प्लस दिस. तो ये कितना आएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 कोस 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2 कोस 90 जीरो. तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 1/4 आपके पास आंसर आ जाएगा. इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं. इसी पैटर्न पे हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास. सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि प्रूव कीजिएगा आप प्रूव दैट टू कोस ऑफ 2b कोस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू कोस ऑफ a प्लस बी प्लस कोस ऑफ a माइनस 3b. इसके इक्वल आएगा बच्चों a माइनस 3b के इक्वल आएगा. तो यहाँ पर रिजल्ट लगाइए टू कोस ए कोस बी. टू कोस ए कोस बी क्या होता है बच्चों, कोस ऑफ ए प्लस बी यानी कि दिस प्लस दिस. तो टू बी प्लस ए माइनस बी तो क्या प्लस करेंगे कितना आएगा ए टू बी माइनस बी क्या आएगा प्लस का बी कोस ऑफ ए प्लस बी. आगे क्या होता है प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी. देखिए टू बी माइनस ए और माइनस क्या आएगा बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बी. तो आपके पास ये क्या आएगा, देखिए लिख लेते हैं इसको कोस ए माइनस बी टू बी माइनस ए माइनस बी. ठीक है बच्चों अब ध्यान से देखना, यहाँ पर इस स्टेप को सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ये आएगा टू बी प्लस का हो जाएगा ये आएगा बच्चों थ्री बी माइनस का ए. ठीक है अब देखिए ध्यान से मुझे प्रूव क्या करना, कोस ए माइनस थ्री बी. तो यहाँ बच्चों इसको हम जो है कोस ऑफ ए प्लस बी और प्लस कोस ऑफ क्या लिख सकते हैं ए माइनस थ्री भी लिख सकते हैं. जो माइनस मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि आपके पास एक रिजल्ट सिखाया था मैंने कोस ऑफ माइनस एक्स होता है जो ये इसके इक्वल आता है कोस एक्स के इक्वल आता है. तो माइनस जब कॉमन लेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा ए माइनस थ्री भी और कोस माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स. इस तरीके से जो ये प्रूव कर सकते हैं. ठीक है उसके बाद करते हैं बच्चों सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है. देखिए ध्यान से क्या है ये, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस ए साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस ए
इक्वल प्रूव करना है 1/2 cos of 2a के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे बच्चों, देखिए आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस ए साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस ए। लेकिन इस फार्मूले के साथ 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आएगा 1/2। क्या आइडेंटिटी लगे बच्चों, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ऑफ ए माइनस बी। देखिए ए कितना है 45 डिग्री प्लस ए माइनस ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस ए, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। ए की ए का कौन काम करेगा बच्चे, ये 45 डिग्री प्लस ए और प्लस 45 डिग्री माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, इज इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा बच्चों कोस ऑफ कितना आएगा, ये कोस ऑफ 45 से 45 कैंसिल, कोस ऑफ 2a और माइनस कितना आ जाएगा कोस 90, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ये आ जाएगा बच्चों 1/2 cos 2a। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि प्रूव कीजिएगा, प्रूव दैट 2 cos 2a + 1 अपॉन 2 cos 2a - 1 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री प्लस ए इंटू में टेन ऑफ 60 माइनस ए के इक्वल हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको राइट साइड से स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्योंकि 10 से साइन कोस में जाना जो हमारे लिए इजी होता है। देखिए राइट हैंड साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आरएचएस आरएचएस के आपके पास बच्चों 10 60 प्लस ए और इनटू में 10 ऑफ 60 माइनस ए इज इक्वल टू, इसको हम साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। देखिए 10 60 प्लस ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन 60 प्लस ए अपॉन कोस ऑफ 60 प्लस ए, और 10 60 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, 10 60 माइनस ए अपॉन कोस ऑफ 60 माइनस ए। ठीक है, अब आइडेंटिटी लगा देंगे, लेकिन आइडेंटिटी के लिए सबसे मस्ट कंडीशन क्या है, 2 होना चाहिए, तो 2 से कर लिया मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, तो ऊपर क्या आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, 2 साइन ए साइन बी, यहाँ जो आइडेंटिटी लगेगी 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है बच्चों, कोस ए माइनस बी, देखिए ध्यान से 60 प्लस ए माइनस 60 माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा कोस 2a, कोस ए माइनस बी यूज किया मैंने, माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, दोनों को प्लस करेंगे 60 60 120 ए से ए कैंसिल, तो ये आएगा कोस 120 डिग्री। नीचे लगेगा बच्चों 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी क्या होता है, कोस ऑफ ए प्लस बी, दोनों का सम करेंगे ए से ए कैंसिल, कोस 120 डिग्री और माइनस कोस ए कोस बी, तो प्लस हो जाएगा बच्चों कोस ऑफ ए प्लस बी, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास सॉरी 2 कोस ए कोस बी, तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो ये आएगा कोस ऑफ 2a। जो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, कोस ऑफ 2a माइनस कोस 120 की वैल्यू जो बच्चों कैसे आएगी, कोस 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ मैं इस टर्म को, अपॉन कोस ऑफ 120 को क्या लिख सकता हूँ, कोस 180 माइनस 60 डिग्री और प्लस का कोस 2a। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू कोस ऑफ 2a माइनस कोस 180 माइनस थीटा, तो क्या रहेगा कोस थीटा, लेकिन 180 यहाँ तो होता है 180 पे से कुछ कम करेंगे तो कोस कैसा होता है सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव, प्लस आ जाएगा अपॉन ये कितनी वैल्यू आई बच्चों, कोस 180 माइनस 60, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा कोस ऑफ 60 डिग्री, लेकिन कैसा आएगा नेगेटिव, क्योंकि सेकंड में कोस कैसा होता है नेगेटिव, यहाँ तो ऑलरेडी माइनस था बच्चों, और प्लस क्या आएगा कोस ऑफ 2a, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कोस ऑफ 2a प्लस 1/2 अपॉन माइनस 1/2 प्लस कोस 2a, तो 2 को ले लेंगे एलसीएम, ये आपके पास आएगा 2 cos 2a + 1 अपॉन 2 cos 2a - 1 आ जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों।
उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। देखिए वो कहता है कि प्रूव दैट secant of pi by 4 plus x secant of pi by 4 minus x is equal to 2 secant of 2xi। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं बच्चे इसकी। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड ये कंसीडर करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 1 by cos में कर लेते हैं बच्चों। इसको क्या लिख सकता हूं, क्योंकि 1 by cos क्या होता है secant theta cos of this, और ये आ जाएगा cos of pi by 4 minus x। लेकिन इसके साथ क्या चाहिए, 2, 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों। देखिए द आंसर इज इक्वल टू 2 अपॉन, नीचे फार्मूला लगेगा 2 cos a cos b, क्या होता है बच्चों cos of a plus b, यानी कि a है pi by 4 plus x plus pi by 4 cos a plus b, और क्या cos a minus b pi by 4 plus x माइनस पाई बाई फोर और माइनस माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा। आगे देखिए फर्दर इज इक्वल टू 2 अपॉन यह आएगा जो कोस ऑफ पाई बाई टू प्लस कोस ऑफ 2x। कोस पाई बाई टू क्या था 0, ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन कोस 2x इज इक्वल टू 2 ऑफ सेकेंड 2x। ये आपके पास जो है प्रूव हो जाएगा, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है बच्चों, वो बोलता है कि प्रूव दैट, आपको तो प्रूव करना है, आपको प्रूव क्या करना है, टेंजेंट ऑफ ए प्लस 30 डिग्री प्लस कोट ऑफ ए माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय साइन 2a माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, आपके पास क्या है टेन और कोट, तो इसको साइन कोस में चेंज करते हैं। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन बाई कोस, तो एंगल है एंगल सेम रहेगा, साइन ए प्लस 30 डिग्री अपॉन कोस ऑफ ए प्लस 30 डिग्री प्लस कोट क्या हो जाएगा, कोस ऑफ ए माइनस 30 डिग्री अपॉन साइन ऑफ ए माइनस 30 डिग्री बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो है एलसीएम लेंगे बच्चे हम। देखिए एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपके पास कोस ऑफ ए प्लस 30 डिग्री साइन ऑफ ए माइनस 30 डिग्री, इससे मल्टीप्लाई है इसे, तो ये आएगा साइन ऑफ। ये देखिए बच्चों जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी। अब देखिए फार्मूला बन जाएगा आपके पास बच्चों, ध्यान से देखना, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है कोस ऑफ ए माइनस बी, तो कोस ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा बच्चों। ए क्या है, ए प्लस 30 डिग्री माइनस ए माइनस 30 डिग्री, ये आइडेंटिटी यूज की हमने, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी, नीचे क्या कोस और साइन मल्टीप्लाई में बच्चों, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 बाय 2 2 कोस ऑफ ए प्लस 30 डिग्री साइन ऑफ ए माइनस 30 डिग्री। ये देखिए क्या आएगा इज इक्वल टू, ऊपर ऐसे ए कैंसिल, तो ये आएगा कोस 60 डिग्री अपॉन क्या आएगा बच्चों, देखो ध्यान से, ये 2 1 by 2 है जो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2, नीचे लगे आइडेंटिटी लगेगी 2 cos a sin b, 2 cos a sin b क्या हो जाएगा बच्चों sin of a plus b sin of a plus 30 plus a minus 30 degree और minus sin of a minus b, minus a और plus कितना आएगा 30 degree, ये आपके पास कितना आएगा 2 cos 60 की वैल्यू 1 by 2 अपॉन ये आएगा बच्चों sin 2a क्योंकि ये कैंसिल माइनस sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन sin 2a माइनस sin ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमें जो है प्रूव करना था इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर किया बच्चों हमने 6। उसके बाद जो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं बच्चे, देखिए क्या है, प्रूव दैट
that tangent of 45 plus x minus tan of 45 degree minus x is equal to 2 tangent of 2x. ये हमें प्रूव करना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो क्या करेंगे बच्चे, इसको साइन और कोस में ब्रेक कर लेंगे. देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं आप, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस x अपॉन कोस ऑफ 45 डिग्री x माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस x अपॉन कोस ऑफ 45 डिग्री माइनस x आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू दोनों के क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेंगे. कोस 45 डिग्री प्लस x कोस ऑफ 45 डिग्री माइनस, एलसीएम लीजिएगा, ये आपके पास आएगा साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस x इनटू में ये टर्म जाएगी कोस ऑफ 45 डिग्री माइनस x माइनस कोस ऑफ 45 डिग्री प्लस x और इनटू में साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस x. तो ये आपके पास क्या बनेगा बच्चों, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी. तो ये क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी. ए का काम करेगा ये, बी का काम करेगा ये. क्या बन गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी. तो क्या होता है, साइन ए माइनस बी. तो ये हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री एक्स माइनस 45 डिग्री माइनस एक्स तो है इसमें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स. अपॉन नीचे क्या बच्चों, कोस की दो टर्म में मल्टीप्लाई में, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा. अब देखिए ध्यान से, ऊपर आपके पास जो टर्म आएगी बच्चों 45 से 45 कैंसिल, ये आएगा साइन 2x और ये 2 पर चला जाएगा बच्चों 2. नीचे आइडेंटिटी लगेगी 2 cos a cos b. क्या होता है बच्चों, cos ऑफ a plus b, दोनों को प्लस करेंगे, x से x कैंसिल 90 डिग्री और प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी. 45 माइनस करेंगे 45 माइनस 45 जीरो, एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2x. तो ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन 2x, कोस 90 जीरो होता है और ये आ जाएगा कोस 2x और साइन बाई कोस क्या होता है आपके पास है 10x. तो ये इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं बच्चों क्वेश्चन को हम, ठीक है? ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस किया था अभी, उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट 4 साइन अल्फा साइन ऑफ अल्फा प्लस पाई बाई 3 साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू साइन 3 अल्फा. ये हमें प्रूव करना बच्चों. तो लेफ्ट हैंड साइड आप कंसीडर करेंगे, आप लिखेंगे सॉल्यूशन में एल एच एस इज इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड ये सॉल्व करेंगे. उसके बाद देखिए बच्चों क्या करना है, आपके पास यहाँ 4 ऑलरेडी है तो इससे जो क्या करते हैं 2 उधार ले लेते हैं बच्चों. 2 का उधार ले लिया हमने, एक 2 यहाँ लिख लिया, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4. एक 2 यहाँ क्यों लिखा बच्चों, आप समझ गए होंगे क्योंकि साइन के जो दो टर्म है वो कैसी है मल्टीप्लाई में. तो जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं दो, तो आपके पास ये आइडेंटिटी लगती है 2 साइन ए साइन बी, ठीक है बच्चों. इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा, क्या आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं, 2 साइन ए साइन बी. 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है बच्चों, कोस ऑफ ए माइनस बी. देखिए ध्यान से, कोस ऑफ ए माइनस बी करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 कोस ऑफ ए माइनस बी प्लस माइनस आएगा बच्चों 2 साइन ए साइन बी, क्या होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, 2 अल्फा प्लस पाई बाई 3 और प्लस 2 पाई बाई 3 आ जाएगा. देखिए ध्यान से, इक्वल टू 2 ऑफ साइन अल्फा, देखना बच्चों ध्यान से, कोस के अंदर क्या आएगा, ये आ जाएगा पाई माइनस दिस माइनस पाई बाई 3 लेकिन कोस माइनस को खा जाता बच्चों. देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं काम, ये कोस के अंदर क्या टर्म आएगी माइनस पाई बाई 3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा कोस पाई बाई 3 के, क्योंकि कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा के, माइनस कोस ऑफ ये देखिए बच्चों यहाँ से सॉल्व किया 3 पाई 3 पाई बाई 3 तो ये आएगा पाई प्लस 2 अल्फा, आपके पास ये टर्म आ जाएगा. अब देखते हैं ध्यान से, इसको इज इक्वल टू
टू साइन अल्फा कोस पाई बाई थ्री, कोस पाई बाई थ्री का मतलब कोस 60, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों कोस 2 अल्फा, क्यों इसको साइड में लिख लेते हैं हम, क्यों बच्चों क्योंकि कोस ऑफ पाई प्लस थीटा है जो आपके पास किस क्वाड्रेंट में क्या थर्ड में, और हॉरिजॉन्टल पर है तो कोस का कोस रहेगा, थर्ड में कोस का ऐसा था नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस थीटा का काम करेगा बच्चों 2 अल्फा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किया हमने, अब इसको जो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा बच्चों साइन अल्फा, फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, प्लस आएगा 2 ऑफ साइन अल्फा कोस ऑफ 2 अल्फा, ये आपके पास टर्म आ जाएगी बच्चों, ठीक है। दोबारा से फिर इसमें आइडेंटिटी यूज करते हैं, देखिए साइन अल्फा एज इट इज प्लस 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी क्या होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, 3 अल्फा माइनस साइन ऑफ सॉरी 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस के अल्फा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ 3 अल्फा, ये कितना आ जाएगा माइनस के साइन अल्फा, क्यों बच्चों क्योंकि साइन के एंगल में जो माइनस थीटा होता है तो माइनस क्या है बाहर आ जाता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस, तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, तो ये आपके पास इक्वल आएगा इज इक्वल टू साइन 3 अल्फा, ये इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से आप बच्चे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, जैसे 12 का एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, 12th का सेकंड पार्ट है, देखिए क्या कहता है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट cos ऑफ 10 डिग्री, cos ऑफ 50 डिग्री और cos ऑफ 70 डिग्री की जो वैल्यू है वो इक्वल है स्क्वायर रूट 3/8 की। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री और cos 70 डिग्री। ये रिजल्ट कब काम करते हैं बच्चे, जब इनके साथ जो है टू टर्म होती है, तो हमने क्या किया इसको बच्चे टू से कर लिया डिवाइड और टू से कर लिया मल्टीप्लाई, यहाँ तक सिर्फ इसको सोल्व करेंगे, ये तो एक टर्म को बाहर रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आपकी मर्जी है बच्चों। इस कंडीशन ये मैंने फर्स्ट टू सोल्व की है, आप लास्ट वाली और फर्स्ट वाली भी ले सकते हैं, उससे कोई क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि इसी चीज को मैं अगर ऐसे सोल्व करूँ इज इक्वल टू 1/2 टू ऑफ cos 70 डिग्री cos 50 डिग्री और इनटू में cos 10 डिग्री, तो क्वेश्चन इससे बस सिर्फ आपको अगर आपको कैलकुलेशन इजी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले जो लार्ज एंगल है उस पर काम करना, क्योंकि लार्ज एंगल से ब्रेक करके वो स्मॉलेस्ट एंगल में आ सकते हैं। देखिए ध्यान से, 1/2 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है बच्चों cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b और प्लस cos ऑफ a माइनस b, तो ये कितना आ जाएगा 20 डिग्री और बाहर कितना रहेगा बच्चों cos 10 डिग्री। अब देखते हैं इसको इज इक्वल टू 1/2 cos ऑफ 120 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ बच्चों 180 माइनस 60, बाहर से cos 10 मल्टीप्लाई में आएगा प्लस 1/2, तो बाहर ये आ जाएगा बच्चों cos ऑफ 20 डिग्री इंटू में cos ऑफ 10 डिग्री, ये हमने काम यहाँ तक कर लिया। अब देखिए ध्यान से, 1/2 ये कितना आएगा बच्चों cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, माइनस cos 60 डिग्री इंटू में cos 10 डिग्री और प्लस ये दो टर्म बच्चों मल्टीप्लाई में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 2 से डिवाइड, ये आ जाएगा 2 cos 20 और cos 10 डिग्री। देखिए ध्यान से, 1/2 cos 60 की जो वैल्यू होती है बच्चों माइनस 1/2, माइनस पहले है ना cos 60 1/2 इंटू में cos ऑफ 10 डिग्री प्लस 1/2 2 cos a cos b, क्या होता है बच्चों 2 cos a cos b की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है cos ऑफ a प्लस b 30 डिग्री और प्लस cos ऑफ a माइनस b, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 1/2 यह आएगा माइनस 1/2 cos 10 डिग्री प्लस 1/2 cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों स्क्वायर रूट 3/2 और प्लस 1/2 और क्या आ जाएगा cos 10 डिग्री। इस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे ये टर्म कैंसिल,
और ये आपके पास कितना आएगा, देखिए ध्यान से, 1/2 इंटू स्केयर रूट 3/4, और ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, स्केयर रूट 3/8 के। इस तरीके से हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व करने बच्चे। इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें क्या आपके पास, उसमें आपके पास चार या पांच टर्म गिवन होंगे बच्चों। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 70 डिग्री की जो वैल्यू है बच्चों, वो आपने प्रूव करनी है, स्क्वायर रूट 3/16 है वो वैल्यू प्रूव करनी है। देखिए ध्यान से, आप लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास, देखिए साइन 10 डिग्री, साइन 50, साइन 60 और साइन 70 डिग्री। लेकिन आप साइन 60 की जो वैल्यू आप जानते हैं बच्चे, उसको हम पुट कर लेंगे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2, तो 3 टर्म में बच जाएंगे हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन ही बन जाएगा। स्क्वायर रूट 3/2 इंटू में साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री और साइन ऑफ 70 डिग्री। जो ये पार्ट हमने अभी किया था तब बच्चे, लास्ट जो पार्ट था वो किसमें था, ये क्वेश्चन कोस में था बस, यहाँ किसमें है, साइन में, आइडेंटिटी लगेंगे बस। तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसको क्या करेंगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर, जब 2 से डिवाइड करेंगे 4, और 2 पहले क्या लिख लेते हैं बच्चों, बड़े वाले एंगल हैं जो हम लिख लेते हैं। देखिए 2 साइन ऑफ 70 डिग्री, साइन ऑफ 50 डिग्री और साइन 10 डिग्री को बाहर, ये कितना आएगा देखिए, स्क्वायर रूट 3/4, ये 4 आया ना समझे बच्चों, 2 से डिवाइड किया, 2 इंटू 2 4 और 2 से मल्टीप्लाई। अब आइडेंटिटी क्या लगेगी बच्चों, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ऑफ ए माइनस बी, 70 माइनस 50 20, कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, ये हो गया बच्चों 120 डिग्री, और इंटू में साइन 10 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4 इंटू में कोस ऑफ 20 डिग्री, कोस 120 है बच्चों, भी सोल्व किया था लास्ट में, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हमने इसको क्या किया, अगली बार कोस 90 प्लस 30 कर दिया, साइन 10 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास आएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4 इंटू में कोस ऑफ 20 डिग्री। अब देखिए बच्चों, माइनस कोस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कोस का क्या बन जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि आपकी बार क्या है 90 बच्चे वर्टिकल पर, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, इनटू में क्या आएगा साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू, इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट 3/4 इनटू में कोस ऑफ 20 डिग्री इनटू में साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3/4 और साइन 30 की वैल्यू रख देते हैं बच्चों 1/2 और इनटू में कितना आएगा साइन 10 डिग्री, जो आपके पास ये आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये दो फंक्शन है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 और यहाँ कितना बन जाएगा 2 ऑफ कोस 20 डिग्री और साइन 10 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3/8 साइन ऑफ 10 डिग्री। अब आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं बच्चे, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3/8 इंटू में क्या आइडेंटिटी लगेगी, 2 कोस ए साइन बी, तो क्या होता है बच्चों, साइन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी 20 प्लस 30 कितना आएगा 30 डिग्री, माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी 20 माइनस 10 कितना आएगा 10 डिग्री। ठीक है बच्चों, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, सेकेंड जो आइडेंटिटी यूज की है बच्चे हमने, स्क्वायर रूट 3/8 और इंटू में साइन 10 डिग्री। ये देखिए कितना आएगा, स्क्वायर रूट 3/8 इंटू में साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस स्क्वायर रूट 3/8 साइन ऑफ 10 डिग्री और प्लस स्क्वायर रूट 3/8 साइन ऑफ 10 डिग्री। ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, स्क्वायर रूट 3/8 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2, तो ये कितना आएगा स्क्वायर रूट 3/16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप बच्चे ये क्वेश्चन है जो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है प्रूव दैट साइन ऑफ 20 डिग्री साइन ऑफ 40 डिग्री
साइन ऑफ 80 डिग्री और साइन ऑफ 90 डिग्री को आपने प्रूव करना है स्क्वायर रूट 3/8 के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पर भी एक वैल्यू को बच्चों हम जानते हैं कि साइन 90 की जो वैल्यू वो कितनी होती है, 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू तो कितनी होगी, 1। अब बाकी में क्या करेंगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। पहले क्या करते हैं, लार्जर एंगल लिखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो 2 साइन 80 साइन 40 डिग्री इंटू में साइन 20 डिग्री, ये कितना हो जाएगा देखिए 1/2 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है बच्चों, कोस ऑफ ए माइनस बी। 80 माइनस 40 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू में कितना आएगा साइन ऑफ 20 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू में कोस 40 डिग्री। बच्चों कोस 120 की वैल्यू भी सोल्व की थी हमने, देखो कोस 120 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस ऑफ 90 प्लस 30 और ये किसके इक्वल होता है साइन थीटा के, साइन 30 डिग्री, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1/2, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस का 1/2 इंटू में साइन ऑफ 120 डिग्री। ये वैल्यू याद भी रखना बच्चों, बहुत जगह पर यूज होती है, कोस 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो माइनस 1/2 होती है, ठीक है, बहुत जगह पर इसका यूज होता है। अब देखिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं कोस ऑफ 40 डिग्री इंटू में साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस 1/2 साइन ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। अब फिर दोबारा क्या करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/4 हो जाएगा, 2 कोस ऑफ 40 डिग्री साइन ऑफ 20 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये टर्म प्लस 1/2 साइन ऑफ 20 डिग्री, ये क्या हो गया आपके पास 2 कोसेस साइन बी, सेकंड नंबर की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये क्या होगा साइन ऑफ ए प्लस बी 60 डिग्री और माइनस साइन ऑफ ए माइनस 20 डिग्री प्लस 1/2 और इंटू में क्या रहेगा साइन 20 डिग्री, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 1/4 साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 1/4 साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस 1/2। तो बच्चे यहाँ पर जो ये टर्म है ये आपके पास आएगी 1/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो कोस, यहाँ जो टर्म बच्चे ये टर्म में देखते हैं एक मिनट के लिए, देखिएगा ध्यान से आप, 1/2 के साथ आया था ये टर्म, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड, हाँ सर जो ये 1/2 बच्चे ध्यान से देखना, इसमें सर्कल कर लेते हैं हम, जो ये 1/2 है ये इस टर्म के साथ भी तो है ना मल्टीप्लाई में, ठीक है ध्यान से करना, ये हमने किया 1/2 कोस 40 दिस और प्लस आया बच्चों 1/2 और साइन 20 डिग्री, 1/2 साइन 20 डिग्री ये आपके पास आया बच्चों, यहाँ जो टर्म आएगी आपके पास आएगी 1/4 साइन ऑफ 20 डिग्री। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों, देखिए आपके पास फर्स्ट से क्या है, ये आपके पास है 1/2 कोस ऑफ 40 माइनस कोस 120 साइन 20, ठीक है यहाँ तक, और ये वैल्यू आएगी आपके पास बच्चों 1/2 कोस 40 और ये जो वैल्यू होती है आपके पास कोस 60 माइनस 1/2 प्लस 1/2 इंटू में कितना आएगा साइन 120 और इसे नेक्स्ट स्टेप में जब करेंगे बच्चों 1/2 इंटू कोस 40 साइन 20 और 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा 1/4 आएगा, मिस्टेक है बच्चों इसको आप ठीक कर लीजिएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/4, ये टर्म क्या हो जाएगी कैंसल, ये आपके पास कितना आएगा 1/4 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों स्क्वायर रूट 3/2 और ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/8 जो है आपके पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एक्सरसाइज 3 सॉल्व की है, आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो, ओके थैंक यू बच्चों।